इस फिल्म की शुरुआत में हम लिजी नाम की प्यारी सी बच्ची को देखते हैं, जो कि घर पर काफी खामोश और उदास बैठी हुई थी। लिजी के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई होती हैं, इसी के चलते वो बच्ची अपनी मॉम के साथ ही रहा करती थी। मगर लिजी की मॉम काफी ज्यादा केयरलेस थी, क्योंकि वो दिन भर नशे करके ही पड़ी रहती थी, जिस वजह से वो अपनी बेटी लिजी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी और न ही वो घर का कोई काम करती थी। इसी के चलते लिजी को ही घर का पूरा काम करना पड़ता था। इन सबसे वो इतना ज्यादा परेशान होती है कि अब वो ये डिसाइड करती है कि वह अपनी मॉम को छोड़कर यानी लीव करके अपने डैड के पास जाने का डिसाइड करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद लिजी थक कर बैठ जाती है, जिसके बाद जब उसकी नजर वॉच पर जाती है तब वो घबराकर अपनी मॉम को उठाने लगती है, जिसके कुछ देर बाद फाइनली उसकी मॉम जाग जाती है। लिजी अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आज दोबारा से हर बार की तरह आप लेट उठी हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लिजी की मॉम ने पिछली रात को काफी ज्यादा नशा किया हुआ था, इसी वजह से वो आज और भी देर से जागी होती है। लिजी अपनी मॉम के जागने के बाद उन्हें अपना प्लान रिवील करती है कि वो रोज रोज के उनकी इस हरकत से परेशान हो गई है, आखिर वो कब तक घर का काम ही करती रहेगी, उसकी अपनी भी तो कोई लाइफ है, वो इस तरह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहती है। इसी के चलते उसने डिसाइड किया है कि वो इस बार अपने फादर के पास ही रहेगी, क्योंकि डैड के पास जाने से उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और साथ ही वो अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर पाएगी। सारी बात समझाकर वो मॉम को उसे डैड के पास ले चलने का कहती है। इसी के चलते मॉम बाथ लेने जाती है, जिसके बाद में रेडी होकर लिजी को लेकर निकल जाती है। लिजी की मॉम कार को काफी रफ्तार से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली चलते जा रहे थे, इसी वजह से लिजी की मॉम कार को एक रेस्टोरेंट के करीब ही रोक देती है, ताकि वो लोग वहाँ कुछ खा पी सकें और इसके साथ ही वो आखिरी बार अपनी बेटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग ड्राइव करने लगते हैं। चलते चलते इन्हें काफी ज्यादा लेट हो जाती है, जिस वजह से अब अंधेरा भी होने लगता है। तब लिजी की मॉम अपनी बेटी से टाइम पूछती है, तब टाइम बताने के लिए लिजी का ध्यान वॉच पर चला जाता है और उसकी मॉम का ध्यान भी वे पर नहीं था। इसी के चलते उनकी कार एक वुल्फ को हिट कर देती है। इस बारे में जब तक लिजी की मॉम को एहसास होता, उतनी ही देर में कार का टायर भी फट जाता है, जिस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर लड़ जाती है। इस एक्सीडेंट में लिजी को तो कोई भी चोट नहीं आई होती है, मगर उसकी मॉम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसी वजह से लिजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो हेल्प के लिए इमरजेंसी कॉल लगाकर जल्द से जल्द यहाँ आने का कहती है, जिस पर दूसरी तरफ मौजूद लोग बताते हैं कि आप घबराए नहीं, क्योंकि वो लोग जल्द ही उन तक पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद लिजी की मॉम भी अपने सेंसेस में आ जाती है। अब क्योंकि वो प्लेस काफी ज्यादा खामोश थी, इसी के चलते वो लोग कार के अंदर ही रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यही इनके लिए सही रहेगा। कुछ देर गुजरने के बाद भी जब एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं आती है, तब लिजी अपनी मॉम से जिद करने लगती है कि वो लोग उस वुल्फ के करीब जाकर देखेंगे कि वो वुल्फ अलाइव है या नहीं। पहले तो मॉम लिजी को काफी ज्यादा रोकती है, मगर इसके बावजूद भी जब वो उसकी बात नहीं मानती है, तब थक हार कर लिजी की मॉम को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो लोग कार से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उस वुल्फ के करीब जाने लगते हैं। करीब जाकर उन्हें पता लगता है कि कार काफी तेजी से वुल्फ से टकराई थी, जिस वजह से वो वुल्फ तुरंत ही मर गया था। अब जबकि इन्हें पता लग गया था कि वुल्फ मर गया है, तो ये भी चुपचाप कार में जाकर दोबारा से बैठ जाते हैं और एम्बुलेंस वालों का वेट करने लगते हैं। इतनी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी दौरान ही उनकी गाड़ी को टो करने के लिए दूसरी गाड़ी भी आ गई थी। इस दौरान जब लिजी दोबारा से वुल्फ की डेड बॉडी को देखने की कोशिश करती है, तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वुल्फ की डेड बॉडी अब अपनी जगह पर नहीं थी। वो शख्स वैन से उतरकर इन लोगों के पास आता है और इन्हें राब्ता करता है कि उन लोगों को अपना सारा सामान वैन में रख देना चाहिए, और इसके साथ ही वो लोग वैन में आगे वाली सीट पर बैठ जाए। अब वो लोग उस शख्स की बात मानते हुए अपना सारा सामान वैन में रख देते हैं।
जिसके बाद जब वो शख्स हुक को कार में फंसाने वाला था, तब उसकी नजर गाड़ी की हेडलाइट पर जाती है और उसे एहसास होता है कि हेडलाइट के आसपास का हिस्सा काफी ज्यादा डैमेज है। इसी वजह से वो वेपन्स लेकर उनकी कार को सही करने लगता है। लिजी की मॉम उससे पूछती है कि ये सब ठीक करने में उसे कितना वक्त लगेगा, जिस पर मैकेनिक जवाब देता है कि वो इस तरह के वर्क में एक्सपर्ट है, इसी वजह से उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन सबके दौरान लिजी को फील हो रहा था कि कोई फॉरेस्ट से उन लोगों पर नजर रख रहा है। इसी के चलते वो अपनी मॉम से जिद करके कार में चलने का कहती है। इसीलिए मॉम उसकी बात मानकर कार में आ जाती है। उस दौरान लिजी की नजर वापस से वुल्फ के बॉडी पर पड़ती है, जो कि अब दूसरी तरफ आ गई थी और साथ ही उसकी बॉडी को भी किसी क्रीचर ने भी खाया हुआ था। मैकेनिक जब कार को सही कर रहा होता है, तब उसे भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। इसी के चलते वो घबराकर टॉर्च इधर उधर मारने लगता है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वही कार में लिजी इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगी थी। इसी के चलते वो अपनी मॉम को जल्द से जल्द यहां से चलने का कहती है। तब मॉम भी घबराकर मैकेनिक से पूछती है कि उसे और कितनी देर लगेगी, मगर इस बार शॉकिंगली कोई भी आंसर नहीं आता है। तब वो लोग खुद भी कार से उतरकर देखने जाते हैं, मगर उन्हें टॉर्च के अलावा मैकेनिक कहीं भी नहीं मिलता है। तभी उसी दौरान ही कार के ऊपर उस मैकेनिक का हाथ आकर गिरता है। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसी के चलते ये लोग तुरंत ही गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। बाद में उन्हें मैकेनिक नजर आता है, जो कि क्रॉल करता हुआ अपनी कार के पास जा रहा था, मगर तभी वो जायंट मॉन्स्टर उसे दोबारा से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे बेहद ही बुरी मौत मार डालता है। ये नजारा देखकर वो लोग काफी ज्यादा सहम गए थे। इसी वजह से वो लोग कोई भी आवाज नहीं होने देते हैं, ताकि उस क्रीचर को ये लगे कि यहाँ पर सिर्फ यही शख्स ही था। बाद में मॉम पुलिस को राब्ता करके उन्हें यहाँ पर बुलाने का डिसाइड करती है। इसी के चलते वो अपने सेल फोन की सर्च करने लगती है। उन्हें पता लगता है कि उन्होंने गलती से अपना सेल फोन उसी वैन में ही डाल दिया है। इसी के चलते मॉम डिसाइड करती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके वैन तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो पुलिस को सारी बातें राब्ता करके हेल्प के लिए यहाँ पर बुला सकती है। मॉम अपना पूरा प्लान लिजी को बता रही थी, तब इतनी ही देर में टेडी बियर साउंड क्रिएट करने लगता है, जिस वजह से क्रीचर उन पर अटैक करने लगता है और लिजी की मॉम पर अटैक करके उन्हें बेहद ही बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। तभी इतनी ही देर में एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है, जिस वजह से मॉन्स्टर लिजी की मॉम को छोड़कर भाग जाता है। एम्बुलेंस वाले लिजी और उसकी मॉम को एम्बुलेंस में बैठाकर सर्च करने लगते हैं कि और भी तो कोई शख्स इंजर्ड नहीं हुआ है। बाद में फीमेल लेडी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, मगर इससे पहले कि वो एम्बुलेंस को स्टार्ट कर पाती, उससे पहले ही वो क्रीचर उसके मेल फ्रेंड को मार देता है, जिसके बाद वो फीमेल को भी मार डालता है। ये सब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसी के चलते लिजी की मॉम फौरन ही एम्बुलेंस को स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। तब दौरान में ही वो क्रीचर उनकी एम्बुलेंस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से एम्बुलेंस पलट जाती है और उन दोनों को भी काफी ज्यादा चोटें आती हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पेन में थे। तभी उनका दर्द और भी बढ़ाने के लिए वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा था। लिजी की मॉम उस क्रीचर का फेस देखने के लिए उस पर टॉर्च मारने लगती है, जिस वजह से टॉर्च पड़ते ही वो घबराकर वहां से भाग गया था। ये देखकर लिजी की मॉम के माइंड में एक ख्याल आता है और वो डिसाइड करती है कि वो मशाल जलाकर फॉरेस्ट में चली जाएगी, जिस वजह से क्रीचर भी रोशनी को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से लिजी सही मौका देखकर इस फॉरेस्ट से भागकर अपनी जान बचा लेगी। अगर लिजी की मॉम का ये प्लान सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि इस प्लान में उसकी मॉम की जान को खतरा था। तब मॉम उसे समझाती है कि उस क्रीचर से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा, जिसके बाद वो मशाल लेकर फॉरेस्ट में जाने लगती है, जिसके बाद वो मशाल को बुझा देती है। इसी वजह से क्रीचर सही मौका देखकर उन पर अटैक कर देता है। तब लिजी भी वहां आकर हैमर से उस पर अटैक करती है, जिसके बाद वो उस पर रोशनी डालकर उसे वहां से भगा देती है। बाद में जब वो अपनी मॉम को देखती है, तब वो काफी ज्यादा रोने लगती है।
कि उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया। इसी के चलते अब वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करती है और यह उसके लिए एक ट्रैप बिछाती है। इसी वजह से जैसे ही क्रीचर आता है वो उसकी बॉडी में आग लगा देती है, जिस वजह से क्रीचर जलकर मारा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजी सेफली फॉरेस्ट से निकल जाती है और मूवी भी यहीं पर ही एंड हो जाती है।